हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मैथ्स ट्यूटर। कैसे हैं आप सभी? जैसा कि हमने अपनी लास्ट क्लासेस में पढ़ा एलजेब्रा के बारे में, दैट व्हाट इज़ द एलजेब्रा, व्हाट आर द बेसिक टर्म्स फॉर एलजेब्रा एंड दैट हाउ वी ऑपरेट द एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। आज जो हम पढ़ेंगे वो है सोल्यूशन निकालना किसी भी इक्वेशन का। जैसे हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, कि हर एक प्रॉब्लम का, दैट एवरी प्रॉब्लम हैज़ इट्स ओन सोल्यूशन, कि हर एक प्रॉब्लम का अपना एक सोल्यूशन होता है। लाइक इन द सेम वे दैट द मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स ऑल्सो हैज़ अ सोल्यूशन, कि जो हमारी मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे इक्वेशंस हैं, उनका भी कोई ना कोई सोल्यूशन होता है। सो व्हाट इज़ दैट सोल्यूशन एंड हाउ वी फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एंड हाउ वी सॉल्व द इक्वेशन, कि हम वो सोल्यूशन होता क्या है और वो जो हमारे इक्वेशंस हैं हम उनको सॉल्व कैसे करते हैं। सो वेरी फर्स्ट, कि सोल्यूशन होता क्या है हमारे पास, दैट व्हाट इज़ द सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, कि सोल्यूशन होता क्या है। एक ऐसी वैल्यू दैट इफ़ वी पुट एनी वैल्यूज इन एन इक्वेशन, कि अगर हम कोई भी वैल्यू, कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू अगर हम इक्वेशन में पुट करते हैं एंड इट सेटिस्फाइज द इक्वेशन, और वो हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। मीन्स दैट इक्वेशन हमने लास्ट में पढ़ा था, हम उसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लेते हैं कि इक्वेशन क्या थी। इक्वेशन द मोस्ट कॉमन हिंट, कि जो उसमें इक्वल साइन होता है इक्वेशन में वो ज़रूर होता है, और उसमें टू साइड्स होती हैं। द फर्स्ट वन इज़ अवर लेफ्ट हैंड साइड एंड सेकंड इज़ अवर राइट हैंड साइड, कि जो हमारे इक्वल साइन के लेफ्ट साइड में होती है वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड, और जो राइट में होती है दैट वन इज़ अवर राइट हैंड साइड। तो एक ऐसी वैल्यू, अगर हम उस वेरिएबल की किसी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू को हम इक्वेशन में पुट करते हैं एंड हमारी जो दोनों साइड्स हैं वो सेम आ जाए, सेम आने का मतलब कि जो उनका आंसर है, जो उनका वैल्यू है, वो दोनों की हमारी सेम आ जाए, वो होता है हमारा सोल्यूशन उस इक्वेशन का, कि हम उस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। सो यहाँ पर जो हमारी एलजेब्रिक जो इक्वेशंस होती हैं उनको सॉल्व करने के मेथड्स हैं। हमारे पास थ्री कॉमनली मैथड्स हैं। फर्स्ट वन है हमारा डायरेक्ट मैथड, सेकेंड इज आवर ट्रांसपोजिशन, एंड थर्ड वन इज आवर हिट एंड ट्रायल मेथड। दीज आर द थ्री मेथड्स टू सॉल्व अ इक्वेशन। द फर्स्ट वन इज आवर डायरेक्ट मेथड, ये जो मोस्ट कॉमनली जो मेथड हम यूज करते हैं किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का, दैट वन इज आवर डायरेक्ट मेथड। सेकेंड है हमारा ट्रांसपोजिशन मैथड, एंड थर्ड वन इज़ अवर हिट एंड ट्रायल मैथड। यानी हम पर्टिकुलरली यूज़ करते हैं, पर जो हमारा मोस्ट कॉमनली मैथड है दैट वन इज़ अवर डायरेक्ट मैथड, कि हम जो हमारी इक्वेशन है उसको हम मोस्टली डायरेक्ट मैथड से सॉल्व करते हैं। सो टुडे वी विल डिस्कस्ड अबाउट दिस डायरेक्ट मैथड, कि जो हमारा डायरेक्ट मैथड है आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। सो वेरी फर्स्ट, कि हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए। यहाँ पर हमारे पास है दैट, कि जब भी हम निकालते हैं हमारी इक्वेशन का सोल्यूशन, तो जो हमारा सबसे फर्स्ट रूल होता है दैट, कि हमें शिफ्ट करना होता है, दैट शिफ्ट ऑल द नंबर्स टू अनदर साइड। हमारी इक्वेशन में दो पार्ट्स हैं, जो इक्वल के लेफ्ट साइड है दैट वन इज़ अवर लेफ्ट हैंड साइड, और जो इक्वल की राइट साइड है दैट वन इज़ अवर राइट हैंड साइड। ये दो पार्ट्स हैं हमारे पास। सो फर्स्ट क्या है, कि शिफ्ट करना है टू द अनदर साइड। इसका मतलब क्या है हमारे पास शिफ्ट करने का नंबर्स को? सो सबसे हमारा फर्स्ट स्टेप है कि शिफ्ट ऑल द नंबर टू द अनदर साइड, कि जो हमारा वेरिएबल है दैट, कि जो हमारा वेरिएबल है उसको हम वन साइड पर रखेंगे एंड जो हमारे रिमेनिंग नंबर्स हैं, रिमेनिंग नंबर्स उन सबको हम अनदर साइड पर रखेंगे।
ये हमारा सबसे पहला स्टेप है जो हमें करना होता है कि जो हमारे वेरिएबल हैं दैट वी हैव टू टुगेदर ऑन वन साइड एंड ऑल द नंबर वी शिफ्ट टू द अनदर साइड. पर जब हम शिफ्टिंग करते हैं, हमें जब हमारा सोल्यूशन निकालना है तो वो हमें ऐसे निकालना है, पर जब हम शिफ्टिंग करते हैं तो जो ऑपरेशंस नंबर के बीच में होते हैं कि प्लस साइन है, माइनस साइन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे, या फिर जब हम दूसरी साइड नंबर को शिफ्ट करेंगे तो उसके साथ हम क्या करेंगे. सो अगर ये हमारा इक्वल का साइन है, इफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड द नंबर इज प्रेजेंट ऑन आइदर साइड, कि दोनों साइड में से नंबर हमारा चाहे किसी भी साइड पर प्रेजेंट हो और वो हमें किसी भी दूसरी साइड पर उसको ट्रांसफर करना है, तो हम नंबर्स को चेंज कर देते हैं, ऑपरेशंस को चेंज कर देते हैं. अगर हमारा प्लस साइन है दैट विल चेंज इन माइनस साइन, कि प्लस का साइन माइनस में चेंज होगा, माइनस साइन हमारा प्लस में चेंज होगा, मल्टीप्लाई चेंज होगा हमारा डिविजन में एंड डिवीजन चेंज होगा हमारा मल्टीप्लीकेशन में. ये जो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं ये चेंज हो जाएंगे. जब भी हम किसी भी नंबर को दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो जो ऑपरेशन उसके साथ लगा होता है साथ में वो भी जाएगा, कि जो हमारा प्लस साइन है वो माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस है वो प्लस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई है वो डिवीजन में, और जो डिवीजन है वो मल्टीप्लीकेशन में चेंज हो जाएगा. फिर उसके बाद आता है कि अगर हमारे पास बहुत ही सिंपल एक इक्वेशन है, माना हमने लिखा कि हमारी इक्वेशन है 5 + x = 6, बहुत ही एक सिंपल सी इक्वेशन है हमारे पास. अगर हमारे पास थोड़ी कॉम्प्लेक्स अगर इक्वेशन हो कि उसमें एक से ज़्यादा अगर हमारे पास ऑपरेशंस हो, कि उसमें हमारे पास डिवीज़न भी हो, मल्टीप्लिकेशन भी हो, एडिशन भी हो, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे. तो डिपेंड करता है कि कौन सा ऑपरेशन इजीली वहाँ से हट सकता है या कौन सा नंबर इजीली वहाँ से रिमूव हो सकता है, कि जिसको हम एक को रिमूव करेंगे तो बाकी पर इफ़ेक्ट ना पड़े, हमें ऐसे नंबर को सबसे पहले रिमूव करना होता है. सो कैसे सॉल्व करेंगे, हम लेते हैं एक एग्जाम्पल. This is our direct method. So first one, it कि हमने एक equation ली 5 + x = 6. हमारा सबसे पहला काम होता है कि जो हमारा variable है हम उसको एक side पर रखेंगे. So what is the variable here? A to Z, that all alphabets are our variables. So here what is the variable? Here x is our variable, कि यहाँ पर हमारा x variable है. x variable है, इसका मतलब हमें यहाँ से किसको shift करना है, 5 को shift करना है, 5 को हमें right hand side पर लेकर जाना है. अब हम देखते हैं, check करते हैं कि 5 के साथ हमारा operation कौन सा है, उसके साथ plus minus कौन सा sign है. हमें ये साइन नहीं देखना, 5 है, 5 के आगे कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, ठीक है. तो हम इसको शिफ्ट करते हैं दूसरी साइड, जब भी हम लेकर जाते हैं तो जो प्लस साइन है वो चेंज हो जाएगा माइनस में. सो x यहाँ पर रहेगा, जब हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये यहाँ से हट गया है, इसका जो प्लेस है वो यहाँ पर नहीं है, अब वो हम इसको दूसरी साइड पर शिफ्ट कर रहे हैं. इज इक्वल टू नंबर यहाँ पर ऑलरेडी कौन सा प्रेजेंट है, 6. तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर 6, जो नंबर हमारा ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हम उसको लिखेंगे. फिर हम 5 को ला रहे हैं उधर, 5 यहाँ प्लस का है, उधर जाकर साइन हो जाएगा माइनस. सो व्हाट वी राइट हियर, माइनस 5. सो सब्ट्रैक्ट दीज टू, 6 - 5 आवर आंसर इज 1. ऐसे हम हमारी इक्वेशन सॉल्व करते हैं. हम कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज x - 12 = 4. हमारी ये इक्वेशन है दैट x - 12 = 4 एंड वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन. सॉल्व करने का मतलब यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल है हमें उसकी वैल्यू निकालनी है. सो व्हाट इज द वेरिएबल हेयर, x, कि हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है. हमारा स्टेप क्या है कि जो भी हमारा वेरिएबल है उसको हम एक साइड पर रखेंगे और जो भी हमारे कॉन्स्टेंट नंबर हैं उनको हम शिफ्ट कर देंगे. सो व्हाट इज द कॉन्स्टेंट नंबर हेयर, 12, कि हमें इसका मतलब 12 को शिफ्ट करना है. यहाँ 12 का साइन क्या है,
नेगेटिव साइन है और जब हम इसको दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो इसका साइन चेंज होकर हो जाएगा हमारा प्लस का. सो जब हम इसको शिफ्ट करेंगे, इसका मतलब यहाँ पर कौन सा नंबर रहा, सिर्फ x, देन इज इक्वल टू साइन. जब हम इसको शिफ्ट ही कर रहे हैं देन नो नीड टू राइट हेयर कि वापस से हमें इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसको अब दूसरी साइड पर लिखेंगे. सो नंबर ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन अनदर साइड, इट इज़ 4. यहाँ पर माइनस था, जब हम दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो साइन चेंज होकर हो जाएगा प्लस एंड इट इज 12. सो 12 प्लस 4 आवर आंसर इज 16. लाइक दिस वी सॉल्व आवर इक्वेशन. सो टेक सम मोर एग्जाम्पल्स. It is that x plus 6 by 5 is equal to 3. We have to solve this equation and our equation is that x plus 6 by 5 is equal to 3. So we have to solve the equation or find the solution of the equation. It means that we have find the value of the variable. Yahan par hamara variable kaun sa hai, x. It means that we have to find the value of x. Ki x hai, uski value kitni hogi. So, how many, first, jo hamari left hand side hai, hum us par chalte hai. How many numbers, constant numbers are present there? 2. First one is 6 and second is our 5. 6 ke saath agar hum operation ki baat karte hai, to wo positive hai. Means plus x aur 6 hai, wo dono addition mein hai. और 5 की अगर हम बात करते हैं तो वो डिवाइड में है. अब यहाँ पर दो ऑपरेशन है. अब हमें डिसाइड करना है कि हम कौन से ऑपरेशन को पहले लेकर जाएंगे वहाँ पर, कि हम पहले 6 को लेकर जाएंगे या हम पहले वहाँ पर 5 को लेकर जाएंगे. सो दोनों में से हम किसको लेकर जाएंगे. अगर हम बात करते हैं 6 की, कि हम 6 को दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो क्या करेंगे. If we are shifting 6 to another side, but 5, कि जो 5 है वो दोनों का ही denominator है, सिर्फ एक x, x, 5 is not the denominator of x only, it is the denominator of x plus 6, कि दोनों का ही denominator है 5, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले, कि हम 6 को लेकर नहीं जा सकते हैं, because 6 is not single here, 5 is also in the denominator of it. So what we do first, that we do 5. कि हम 5 को पहले उधर लेकर जाएंगे. इधर 5 है, वो division में है. And if we shifting it to another side, then it is of our multiplication. So यहाँ पर क्या बचा, जब हमने 5 को shift किया, तो हमारा answer बचा सिर्फ x plus 6 is equal to, जो number already present है, पहले हमने उसको लिखा 3, फिर 5 उधर गया मल्टीप्लाई में. 5 3 जा, इट इज 15 एंड इट इज x प्लस 6. अब टर्न आता है 6 का, क्योंकि अब 6 के साथ तो कोई और नंबर जुड़ा ही नहीं हुआ. सो अब हम 6 को इजीली वहां पर शिफ्ट कर सकते हैं. सो हम 6 को लेकर जाते हैं हेयर विथ साइन प्लस साइन. सो आफ्टर शिफ्टिंग इट बिकम्स नेगेटिव. सो व्हाट लेफ्ट हेयर, इट इज x एंड इट इज 15 माइनस 6. सो आवर आंसर इज, व्हाट इज आवर आंसर, 9. लाइक दिस वी सॉल्व आवर इक्वेशंस और फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड हम कॉमनली यूज़ करते हैं, कि और जो एलजेब्रा है ये सिर्फ उसका बेसिक है, जो हमारी इक्वेशंस हैं ये सिर्फ उनका बेसिक्स है, इसके आगे बहुत कुछ है एलजेब्रा में. सो कि हमें इन चीज़ों को बहुत ध्यान से समझना है, अपने मन में बिठाना है. सो आफ्टर डूइंग दिस एंड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, डू प्रैक्टिस ऑफ equations, that how we solve the equations, how we add the expressions, how we subtract the expressions. So till today it is enough, and in our next video we will discuss about our next two methods, that is transposition and heat and trial method. Till then, do practice of this. Thank you, and don't forget to like, share and subscribe.